अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। और आज फ्राइडे का दिन है एंड फिर से बादल हैं। आज कल पूरा दिन बारिश हुई थी और आज हमारा फिर प्लान बन चुका है शादी पे जाने का, और वो शादी भी अगेन इस्लामाबाद में। तो लेट्स गो एंड सी व्हाट आई कैन रिकॉर्ड एंड बाय। फ्यूल दोबारा से एम्प्टी है तो फ्यूल भी भरवाने रास्ते से। अस्सलाम वालेकुम, और फाइनली पहुंच गए रावलपिंडी शादी हाल। अभी बस नमाज़ पढ़नी है तो जुमा है क्योंकि आज, तो इधर करीब मस्जिद है, इंशाल्लाह उधर जाएंगे। तो अभी कोई आया नहीं है वैसे, हम पहले आ गए क्योंकि नमाज़ फिर कज़ा हो जाती। बेसमेंट में नमाज पढ़ी अभी जुमा। अच्छा जी, तो फाइनली खाना खा लिया, थैंक गॉड। काफ़ी लेट आई थी बारात, तो मे बी लाइक 5 बजे खाना खाया, लंच किया। तो अब निकलना है वापस पेशावर की तरफ, और इधर तकरीबन सनसेट का टाइम है, सनसेट हो चुका है बल्कि। और ये नस्ट का ही रोड है, इस साइड पे आई डोंट नो लेफ्ट पे या राइट पे द नस्ट यूनिवर्सिटी भी है, और ये उसी रोड पे शादी हॉल। तो इधर के सीन्स कुछ ऐसे हैं, अभी इरफान भाई याद आ गए, सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो अब इंशाल्लाह निकलते हैं पेशावर की तरफ कुछ देर में, मगरिब की अजानें हो रही हैं, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। वो सामने मैकडोनल्ड्स भी है, आई होप इसमें नज़र आ रहा हो। यस, वो साइड में ये राइट देयर। मुझे ना आपने अच्छा सा पीजे वाली ऑर्डर मिल गई थी, उधर झूला था। कौन सी जगह पे? वो ऑर्डर उधर झूला भी था। तो मैं तो आपको लेके गया था केएफसी। नहीं गए थे। मैं लेके गया था। गाड़ी किधर थी? किस में बैठी थी? आप गाड़ी। मेरी गाड़ी थी। आप लोगों की चीज़ दिखानी थी जो कि बड़ी फ़नी है, ये देख सकते हैं गाड़ी कैसे पार्क की है। ये तो ये देखिए, नीचे से टायर जो है वो हवा में है, माशाल्लाह क्या पार्किंग है। कोई टेंशन नहीं उनको कि गाड़ी कैसे पार्क की है, बस ये कि रोड से साइड पर होनी चाहिए। तो तकरीबन 4 इंचेस तो ऊपर है, 4 to 6 इंचेस। ये आपको ये एंगल भी बता देते हैं यहाँ से क्या। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। रात को फ्रेंड्स के साथ ही गए थे डिनर पे और उसके बाद आज सुबह नाश्ते का प्लान बनाए। सारे स्टिल हो गए जैसे मैंने व्लॉगिंग शुरू की है। माशाल्लाह ये देसी घी का हलवा है साथ और ये होगी पूड़ियाँ। काफ़ी अच्छे साइज़ है पूड़ियों का, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। छोटी पूड़ी नहीं है जो नॉर्मली मिलती है और इनके चने स्पेशल और ये साथ दो पराठे और ये एक किलो है। समी कह रहे हैं कि एक किलो हमने पूड़ी ऑर्डर की है और चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये लोग कुछ ब्लॉग में आना नहीं चाहते इस वजह से सिर्फ आपको खाना दिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और आज वेनसडे का दिन है एंड आज फिर एक शादी थी लेकिन इस बार पेशावर में ही थी। तो खाना वगैरह हमने खा लिया और अब बस जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में घर वापस। तो खाना थोड़ा ज़्यादा खा लिया था इस वजह से मैं वॉक कर रहा हूँ क्योंकि इनका पार्किंग लॉट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी थोड़ी अपडेट दे देंगे क्योंकि पिछले जो सारे व्लॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे थे। तो मैंने कहा कुछ व्लॉग वगैरह भी बना लें। वो सारे खड़े हैं उधर, अजलाल भी खड़े हैं और साथ कज़न्स भी सारे खड़े हैं। अजलाल खाना ज़्यादा खा लिया है, अब वॉक कर रहे हैं। चले वॉक करते हैं थोड़ा। मैंने तो एक राउंड लगा दिया, अब सेकंड राउंड है। देखें हालांकि गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कोई आया ही नहीं है शादी पे क्योंकि पार्किंग लॉट बहुत बड़ा है। तो कर लेते हैं थोड़ी वॉक। अच्छा तो सर्दियां अब जा रही हैं और अब उतनी सर्दी रही नहीं जितनी पहले होती थी। दिन के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप होती है और इस टाइम थोड़ी बहुत सर्दी होती है लेकिन उतनी नहीं है जितने के पहले होती थी। और ये फुल व्यू शादी हॉल का, शहर से काफ़ी दूर है लेकिन माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है। तो हमारे हो गए दो राउंड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर जाएंगे घर। और इंशाल्लाह एक चैलेंज भी आने वाला है अजलाल। मैंने लिए हैं गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, जिनके अंदर होती है मिल्क चॉकलेट। तो मैं कोई प्लान कर रहा हूँ कि कोई अच्छा सा चैलेंज हो तो इंशाल्लाह आप सब लोग कंप्लीट करेंगे उसमें, तो फिर देखते हैं कि गोल्ड कॉइन्स कौन जीतता है इंशाल्लाह। ठीक है, रेडी हैं? लेकिन अभी आपको पता नहीं चैलेंज क्या, आप रेडी कैसे हो? आपने अभी बोला हाँ लेकिन अभी चैलेंज डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा चैलेंज होगा। रेडी हूँ पहले से। हाँ और ये टीम खाना खाने के बाद रेडी है। अब हो गया है जाने का टाइम। चलते हैं घर 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 घर।